सो हेलो स्टूडेंट्स, सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा पहले C++ के प्रोग्राम की। इतना बेसिक्स पढ़ने के बाद आज हम पहला C++ का प्रोग्राम देखेंगे। सो इस वीडियो मैंने दो पार्ट में रखा है। पहले मैं आपको प्रोग्राम की कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज दूंगा और आखिरी में आपको मैं प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाऊंगा कि कैसे प्रोग्राम चलता है और किस तरीके से हम कोडिंग करते हैं, वो सारा कुछ इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। सो मेरे तरफ से आपके लिए कंप्लीट फर्स्ट लुक होगा आपके इस पहले C++ प्रोग्राम के लिए। अगर आप सभी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा ये, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। या फिर अगर आप सभी इंस्टाग्राम से यूज़ करते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और वीडियो के लिए कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए बहुत हो गया, हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, चलो देखते हैं आज अपना प्रोग्राम। अच्छा कि भैया आपके यहाँ कुछ कोडिंग दिख रही है, भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बताओ। तो मैं कहता हूँ रुको, अभी शुरू करते हैं एक तरीके से। जो पहली लाइन लिखी हुई है ये है आपका कमेंट, ये आपका क्या है, कमेंट है, ठीक है। ये कमेंट क्या होता है बता दो। जब हमें कोई भी प्रोग्राम के अंदर कुछ भी, लेट अस सपोज मैंने इस चीज़ छोटा सा प्रोग्राम बनाया है और मैंने को जो मतलब कि चलाने वाला है, बेसिकली एक होता है आपका बनाना, जिसने मैं प्रोग्रामर हूँ, ठीक है, और एक आप यूज़र हैं, यानी कि जो देख रहा है उसके लिए। अब जो देख रहा है उसको सिर्फ क्या देखेगा, यहाँ से जो आउटपुट दिया गया वो देखेगा, लेकिन हमने अपने हिंट के लिए कुछ भी कीवर्ड ऐड करना है, कोई भी हमें अपने हिंट के लिए कुछ भी ऐड करना है, कहीं पर कुछ नोट्स डालना चाहते हैं इस तरीके से, तो हम कमेंट का यूज़ करते हैं वहाँ पर। इसी वीडियो में कमेंट्स के बारे में बताऊँगा। देखिए फिर हैश इंक्लूड आइसम डॉट एच, ये क्या है, ये आपकी एक हेडर फाइल है, हेडर फाइल, ठीक है। एंड मेन, ये मेन फंक्शन होता है प्रोग्राम का। आपका जो पूरा C++ का प्रोग्राम है जहाँ से एक्जीक्यूट होता है वो सबसे पहले मेन को ढूंढता है, ठीक है। आपका जो भी क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ग्लोबल वेरिएबल, सारा कुछ ग्लोबल वेरिएबल का तो स्कोप पूरा ग्लोबली होता है, बट जो भी सारी चीज़ें वो सारी मेन के अंदर होती है, मेन से ही कहीं ना कहीं लिंक होती हैं सारी चीज़ें। इस तरीके से आपका प्रोग्राम वर्क करता है, ठीक। इंट मेन, इसके बाद ये आपके पैरेंथेसिस हैं, एंड देन ये सी आउट है, सी आउट के बाद ये आपका शिफ्ट लेफ्ट, जो मैंने ऑपरेटर्स की पिछली वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखी तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। फिर उसके बाद आपका डबल क्यूट्स में यहाँ पे क्या आ रहा है, वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग। अब देखो सी आउट है और रिटर्न जीरो, ठीक है। सी आउट में हम देखो क्या लिखते हैं, हमें जो भी चीज़ डिस्प्ले करानी होती है उसको हम सी आउट में देते हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि सी आउट में हम क्या लिखेंगे, जो भी कुछ डिस्प्ले होगा। क्या तुम्हें ये बात समझ आई? हाँ भैया, हमें इतनी बात समझ में आ गई कि सी आउट में वो लिखेंगे जो डिस्प्ले होगा, और किस में लिखेंगे, डबल क्यूट्स में, ठीक है। हाँ भैया आ गया, ठीक। और यहाँ से तो एक और बात समझ लो भाई कि सी इन में हम वो लिखते हैं जो हमें यूज़र से इनपुट लेना होता है, ठीक है, ठीक। सी इन और सी आउट की भी हम आगे इसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ अभी चलते चलते। तो अब जो ये प्रोग्राम है वो आपका आउटपुट क्या दे रहा है, देखो आप डबल कीवर्ड्स के अंदर किसी भी केस में लिखिए, ठीक है, आप डबल कीवर्ड्स के अंदर किसी भी केस में लिखो, चाहे छोटा लिखो चाहे बड़ा लिखो, आई मीन अपर केस या लोअर केस, किसी भी तरीके से लिखो, कंपाइलर को कोई मतलब नहीं है, जहाँ डबल क्यूट्स उसको दिख जाएगा, उसके बाद वो इसको सीधा सीधा यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, सीधा कॉपी करके आपके आउटपुट में पेस्ट मार देगा। तो जो आपका आउटपुट है वो कुछ इस तरीके का आने वाला है, इस तरीके से आपका ये आउटपुट आएगा, वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग। अब आपका ये आपने छोटी ही बताया, ठीक है, मैं इस चीज़ को आपको प्रोग्राम में चला के दिखाऊंगा, प्रॉपर वीडियो के आखिरी में उसका पूरा पार्ट होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहले मैं छोटी ही बात करूँगा, फिर बताता हूँ कैसे सारा कुछ होता है। चलो अब देखो भाई, एक सवाल है जो आपको बहुत मोस्ट मिलेगा कि हम हैश इंक्लूड आइसम डॉट एच को इंक्लूड ही क्यों करते हैं। तो चलो तो मैं इसके बारे में एक चीज़ बताता हूँ, हैश इंक्लूड आइसम डॉट एच के बारे में, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच। अब देखो जो इस हैश इंक्लूड ये पूरा लिखा हुआ हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, अब इसमें आपका जो हैश है उसका मतलब होता है प्री प्रोसेसर,
प्री प्रोसेसर, ठीक है। इंक्लूड के लिए अभी रुको, टू इंक्लूड यहाँ लिखते हैं पहले, ठीक है, एक्सप्लेन करूँगा अभी आपको। टू इंक्लूड, और ये आपको बताई थी मैंने, ब्रैकेट्स हैं ये। और यहाँ पे आईओ स्ट्रीम एच जो लिखा हुआ है, इसमें आईओ स्ट्रीम एच में देखो कि हाँ, आई जो है यहाँ पे, आई का मतलब होता है इनपुट, ठीक, ओ का मतलब होता है आपका आउटपुट, और आपका जो स्ट्रीम लिखा हुआ है, स्ट्रीम का मीनिंग होता है यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। अच्छा भैया देखो, यहाँ मैंने तुम्हें एक एक चीज़ का मतलब बताया, हैश का क्या मीनिंग होता है, इंक्लूड का क्या मीनिंग होता है, और ये जो आपको ये ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, ठीक है, एंड देन आई स्ट्रीम डॉट एच का मतलब क्या होता है। अब देखो ये पूरा जो आई स्ट्रीम डॉट एच है, ये आपकी क्या है, ये एक आपकी हेडर फाइल्स हैं, ठीक, हेडर फाइल। भैया हेडर फाइल क्या होता है, तो हेडर फाइल आपका जैसे कि एक पूरी लैंग्वेज होती है, ठीक है, लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें होती है ना, जैसे आप मान लो ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास क्या होता है, आपके पास होती है, पीछे चलते हैं इस, यहाँ बात करते हैं, देखो आपके पास इंग्लिश है, वो क्या है, लैंग्वेज, ठीक है। अब लैंग्वेज में क्या क्या होता है, लैंग्वेज में भैया जैसे कि लैंग्वेज की हम ग्रामर की बात करें, ठीक, ये लैंग्वेज की ग्रामर है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमने पढ़ा है नाउन, प्रोनाउन एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो आपकी हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच है, ठीक है, वो एक ग्रामर समझ लो आप उसको, उसके अंदर बहुत सारे उसके फंक्शंस हैं, एक हेडर फाइल के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है, ठीक। आई होप कर, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये समझ में आया होगा आई स्ट्रीम डॉट एच क्यों यूज़ करते हैं, क्या मतलब है। अब इसका मतलब ये होता है कि जो आपका प्रोसेसर है, ठीक है, प्री जो कंपाइलर को वो ये बोलता है कि हम इस प्रोग्राम के अंदर इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस कराने जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप इस हेडर फाइल के विदाउट, इस हेडर फाइल का यूज़ नहीं करोगे और प्रोग्राम में सी आउट सी इन यूज़ करोगे तो ये आपको एरर शो करेगा, ठीक है। हम एरर्स की बात करेंगे, कितने टाइप्स के एरर होते हैं, कौन सा एरर कब शो होता है, उससे पहले मैं आपको इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के बारे में कुछ बताऊँगा, वो ये कि आई और ये ओ लिखा हुआ है, तो आई का मीनिंग है इनपुट और ओ का मतलब है आउटपुट, ठीक। अब इसके जो इनपुट आउटपुट कराने के, इसमें देखो दो ही वे हैं, और ये तीसरा जो ये आपको मिलेगा बट इसके कोई ज़्यादा यूज़ नहीं आता है, फिर ही बताता हूँ मैं। सीन, सीन को देखो कब यूज़ करते हैं हम, सीन को यूज़ करते हैं, ये आपको लिख के रख लेना, इसको हमेशा याद रखना, सीन का यूज़ होता है इनपुट कराने के लिए। इनपुट क्या, कोई भी यूज़र से हम जो भी वैल्यू इनपुट कराएंगे, ठीक है, इनपुट जहाँ भी आएगा वहाँ यूज़र आएगा, ठीक है। अब जहाँ पे सी आउट की बात आएगी, सी आउट में क्या होता है, सी आउट में हम कराएंगे वैल्यू को डिस्प्ले, क्या कराएंगे, डिस्प्ले कराएंगे हम अपनी वैल्यू को, यानी सी आउट में वो सारी चीज़ें आएंगी मोस्टली जो हमारी मॉनिटर स्क्रीन पर आने वाली हैं, ठीक। हाँ भैया समझ में आया, अब देखो इसके ये फुल फॉर्म भी लिख लो, याद कर लो इनको, सी इन को हम कंसोल इनपुट बोलते हैं, सी आउट को कंसोल आउटपुट बोलते हैं, और सी ई आर ये है कंसोल एरर, इसका कोई खास यूज़ नहीं है आपके एरर्स में, आता है आपको ये स्टैंडर्ड एरर बताता है, स्टैंडर्ड एरर के लिए होता है ये, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, कमेंट्स की बात, भैया आपने कमेंट्स बताए, देखो कमेंट्स जो मैंने तो बताया था, सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर पहली लाइन, कलर्स का इशू हो रहा है, ये जो पहला लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपका कमेंट्स था। हाँ अब देखो कमेंट्स में तुम्हें बताता हूँ, बिल्कुल डीप चल के हम बात कर रहे हैं कमेंट्स की, ठीक। एक देखो दो तरीके के कमेंट्स होते हैं, पहली बात तो चलो तुम्हें ये समझना हो कमेंट्स होता क्या है, कमेंट्स समझ लो कि नोट्स होते हैं, जैसे हमने कोई भी चीज़ पढ़ी, ठीक है, हमने कुछ भी पढ़ने के बाद हमारे जो खुद के अपने थॉट्स थे या कुछ भी हमें जो इंपॉर्टेंट लगा
वो हमने लिख लेते हैं हम, ठीक है। लेट अस सपोज कि हमने कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, हम बुक रीडिंग कर रहे थे, हमें कुछ चीज़ें अच्छी लगी या इम्पोर्टेंट लगी कि ये वैल्यूबल चीज़ है, हमें याद होनी चाहिए, तो हमने उनको अंडरलाइन कर लिया, हाईलाइट कर लिया हाईलाइटर से, इस तरीके से कमेंट्स की बात। तो कमेंट दो तरीके होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। अब सिंगल लाइन कमेंट में क्या किया, अगर आपको एक लाइन लिखनी है, ठीक है, सिंगल लाइन में है आपका, अगर आपको एक पर्टिकुलर लाइन लिखनी है तो वो सिंगल लाइन कमेंट हो गया। सिंगल लाइन कमेंट को आपको ये साइन दिख रहा है, इस तरीके से लिखना है, ठीक है, जैसे वहाँ लिखा हुआ था आपका माई फर्स्ट प्रोग्राम इन C++, ठीक। लेकिन भैया अगर हमें एक से ज़्यादा पूरा पैराग्राफ लिखना है कमेंट्स में, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं ना, ठीक है, क्योंकि कितनी ज़रूरी है। अगर हमें पूरा एक पैराग्राफ लिखना है, चार लाइन लिखनी है, पांच लाइन लिखनी है, तब क्या करें भैया? तो देखो उस केस में हम ये करेंगे कि मल्टीपल कमेंट्स लिखने हैं, यानी कि हमें एक फॉरवर्ड स्लैश देना है, उसके बाद हमें एस्ट्रिक साइन का यूज़ करना है, उसके बाद हमें जो भी लिखना है, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है, आई एम डूइंग प्रोग्राम फर्स्ट टाइम, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे आपका एस्ट्रिक के साथ स्लैश लगा के बंद कर देना है, ठीक। ये सारा कुछ फिर से बता रहा हूँ, आखिरी वीडियो में दिखा रहा हूँ मैं आपको, सो प्लीज़ अभी तक यहाँ तक बने तो मत जाइएगा, इसके बाद भी बहुत कुछ आने वाला है। अब मैं कुछ ऑपरेटर्स की बात करता हूँ आपको, इसका क्या यूज़ है। ये आपका आउटपुट ऑपरेटर है, ठीक है, ये है आपका आउटपुट ऑपरेटर, ये सी आउट के साथ आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब ये देखो, एक छोटे से प्रोग्रामिंग है कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 8 × 2 यहाँ बताया गया है, ठीक है। सी प्लस में काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं आपके, ये 8 × 2 का दिखाया गया, सी आउट में लिखा हुआ है। सी आउट में जो लिखाया है ना, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ 8 × 2, देखो सी आउट में जो भी डबल कीवर्ड्स में यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपका आउटपुट में ऐसे ही आ रहा है। देखो व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ 8 × 2, इवन दो इन जहाँ तक कि इनको केस से भी मतलब नहीं है, आप लोअर केस लिखें अपर केस लिखें कैसे भी लिखें कुछ मतलब ही नहीं है, और यहाँ 8 × 2 कर दिए तो उसका इनको आंसर दिख रहा है, ये देखिए 16 लिखा हुआ है, ठीक। अब देखो इनपुट ऑपरेटर की थोड़ी सी बात हो जाए अगर, तो सी इन मैंने आपको बताया था कि सी इन को हम यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को इनपुट कराने के लिए, ठीक। यहाँ पे ये num1 और num2 ये वेरिएबल्स हैं जो मैंने आपको नहीं दिखाया यहाँ पे, लेकिन ये कैसे बनते हैं, कैसे क्या होता है सब बताऊँगा, रुको बस। ये वैल्यू आपके इंट के वेरिएबल हैं, ये ऐसे बनाए गए हैं, इंट num1, num2, ये एक लाइन है जो आप इससे, ये एक्चुअली पूरा प्रोग्राम नहीं, एक पार्ट ऑफ द प्रोग्राम जो मैं आपको तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है, अगर मैं तुम्हें इसका आउटपुट समझाऊँ तो वो ऐसे है कि यहाँ सी आउट है, पहली लाइन में सी आउट, कंपाइलर ने जो कंपाइलर कैसे रीड करता है उसे सी आउट मिला, ठीक है, यहाँ तक आया, ठीक है। अब डबल कोट्स देख के उसके बाद से कोई मतलब ही नहीं है, जैसे जैसे उसे आगे जो मिला वो छापता चला गया सीधा सी आउट में। अब देखो उसने ये सेम चीज़ आपकी यहाँ पे छाप के रख दी, वो ये रहा एंटर द फर्स्ट डिजिट, जैसा ही लिखा हुआ है उसने सीधा छाप दिया। अब ये एंडल क्या है, एंडल मैंने तुम्हें बताया था अगर तुम्हें याद होगा तो, एस्केप सीक्वेंस, ये है तुम्हारा एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस तो बेसिकली उसका ये एन होता है, ठीक है, बट सिंगल कीवर्ड्स में स्लैश फॉरवर्ड एन होता है, एस्केप सीक्वेंस बोल भी सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे एन यूज़ करता तो हम उसको एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं, बट एंडल न्यू लाइन के लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली। फिर हम सी इन में इसको हम वैल्यू एंटर करा रहे हैं, ठीक है, num1 एक हमारा वेरिएबल है, num1 एक वेरिएबल है और num2 भी आपका वेरिएबल है, ठीक। वेरिएबल्स कैसे इनिशलाइज कराते हैं, क्या होता है सब बात करेंगे। सी आउट तक पहुंचा प्रोग्राम, ठीक है, फिर उसको डबल क्यूट्स मिले, उसने फिर ऐसे डिस्प्ले करा दिए जो यहाँ था उसने दिखा दिया, ठीक। फिर एंडल था, फिर वो नीचे लाइन में आएगा, सीन फिर से दूसरी वैल्यू एंटर कराई उसने, सी आउट मिला, ऐसा का ऐसे डिस्प्ले करा दिया, फिर न्यू लाइन मिला, फिर नीचे आ गया वो, सी आउट में num1 + num2 था, जो भी आपका रिजल्ट था वो उसने यहाँ आपको डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। तुम्हें सारी चीज़ नहीं समझ में आई होगी, बट जैसे ही मैं तुम्हें प्रोग्राम चला के दिखाऊँगा इसके बाद, तुम्हें एक एक चीज़ क्लियर होगी यहाँ से,
अब ये छोटा सा टॉपिक है कैस्केडिंग ऑफ आई एन ओ ऑपरेटर्स। ये ऐसा है कि हम इनपुट जैसे कि देखो अभी क्या था, अभी मैंने पिछली बार आपको प्रोग्राम बताया सी आउट और यहाँ पे था एंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। तो इसके दो तरीके थे, हम इसको ऐसे एंटर करवा सकते थे, यहाँ लिख देते हैं एंटर फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यू। तो मैं दोनों तरीके बताता हूँ, रुको पहले। सबसे पहला मेथड आपका ये रहेगा सी आउट में एंटर फर्स्ट वैल्यू और एंडल, ठीक। और हमने सी एन में आपकी पहली वैल्यू एंटर करा ली नम वन, फिर से हमने सी आउट दिया, फिर हम लिखेंगे एंटर सेकेंड वैल्यू और फिर हमने करा ली यहाँ पे एंडल का यूज़ किया, और फिर हम सी इन में आए, यहाँ हम लिखेंगे नम टू दूसरा वेरिएबल, और सी आउट में हमने डिस्प्ले करा दिया यहाँ पे जो भी डिस्प्ले कराना था। चलो मैं देख लेते हैं एंटर का। एक तो ये तरीका हमारे पास सी आउट यूज़ करना है सी इन करना, और दूसरा इसका मेथड क्या है देखो। दूसरा मेथड काफ़ी ईजी होने वाला है, वो इस तरीके से हमने एक बार सी आउट लिखा। अब अगर हम इसको और इसको थोड़ा मर्ज करके लिखें तो कैसे लिख सकते हैं कि भैया इसको मर्ज करके लिखना है, तो एक काम करो इसी में लिख दो भैया एंटर फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यू। हाँ ये बात सही है, देखो कैसे इसमें अगर लिख दें हम एंटर फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यू, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम छोटा भी हो गया, और एंडल ऐसे लगा देते हैं, ठीक। अब हम सीन में क्या करेंगे, देखो सीन में नम वन और नम टू, ठीक, दो वैल्यू हमने एंटर करा ली, नम वन और नम टू दोनों एंटर करा लिए, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, पहले हमने यहाँ क्या लिखा था, पहले हमने सी आउट एक सी आउट दिया, फिर उसकी वैल्यू एंटर कराई, दूसरा सी आउट दिया, यहाँ पे हमने एक ही सी आउट का यूज़ करके दो लाइंस को सीधा दिखा दिया, ठीक। तो ये स्केटिंग बेसिकली आपकी इस वाले में हो रही है, जहाँ पे हमने दो सी एन का यूज़ करने की बजाय यहाँ सी एन यहाँ हमने एक ही लाइन में सी एन यूज़ कर लिया, ठीक है। तो बस यही होता है कि हम अपना जो सी आउट सी एन ज़्यादा ना यूज़ करके एक ही लाइन में ज़्यादा बार ऑपरेटर्स को यूज़ कर लेते हैं, उसको हम कैस्केडिंग का कंसेप्ट, यही आपका कैस्केडिंग का कंसेप्ट होता है। अब हम इसके बाद जाएंगे इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच पे। अब चलो अब हम बात करते हैं कि कैसे इसको, मैं आपको प्रोग्राम चला के दिखाता हूँ। सो हेलो, देखो हम आ चुके हैं अपने सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पे, यानी कि आईडी की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो मैंने तो अभी तक जो भी इस वीडियो में पढ़ाया है, थ्योरी बताई है, अब मैं उसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे क्या होता है। चलो सबसे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट विजुअल कोड स्टूडियो। इसमें आपको क्या करना है, एक न्यू फाइल लेनी है, और न्यू फाइल कैसे लेते हैं देखो यहाँ पे, और तुम तो डबल क्लिक कर दोगे तो आ गया न्यू फाइल, लेकिन तो मैं इसको पहले सेव करना पड़ेगा, और वो भी cpp.cpp का यूज़ करके, ठीक। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ वीडियो टू, या लेट अस सपोज दे देता हूँ क्लास 2.cpp, ठीक। अब ये cpp फाइल बन चुकी है, इसको करते हैं बंद। अब यहाँ से चलो शुरू करते हैं, कैसे होता है सब कुछ बताता हूँ तुमको। हैश इंक्लूड, सबसे पहले हम लगाएंगे अपने क्या आईओ स्ट्रीम, ठीक। देखो जो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम है, हम इसमें आईओ स्ट्रीम डॉट इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो C++ का 11th स्टैंडर्ड के बाद की लैंग्वेज है, ठीक। तो हम इसमें इतना यूज़ करेंगे सिर्फ। इसके बाद हमें यूज़ करना पड़ेगा यूजिंग नेम स्पेस STD, ठीक, एंड देन इंट के साथ मेन बनाएंगे, और ये हमारा ब्रेसेस ओपन करेंगे। अब यहाँ तक क्या है, तो मैं इंट में मैंने भी रिटर्न नहीं बताई है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ सी आउट से क्या होता है, सी इन से क्या होता है, और कैस्केडिंग का कंसेप्ट बताऊँगा, और कमेंट्स का, सिर्फ चार कंसेप्ट तो मैं बताऊँगा एक ही वीडियो में। तो सबसे पहले बताता हूँ सी आउट में, वेलकम टू, वेलकम इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, ठीक।
और यहाँ लगा दूंगा मैं एंडल, ठीक है। और इसके बाद आपको लिखना है रिटर्न, रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो क्यों लिखना है वो आपको बताऊंगा मैं जब मैं पढ़ाऊंगा आपको ये डेटा टाइप्स, ठीक है। चलो भैया आपने प्रोग्राम बना लिया है, इसको रन कराते हैं, ठीक है भाई रन कराते हैं। अभी ये देखो ये रन कोड करा दिया मैंने, ठीक है। वेट, ये आपका आउटपुट में तो यहाँ पे वेट वेट कोई इशू आ रहा है शायद, एक बार फिर से रन कराते हैं। ये देखो यहाँ पे आपका आउटपुट लिख के आया है वेलकम इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, ये आउटपुट लिख के आ रहा है, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं इसमें, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, इसमें जो भी डबल क्वोट्स में लिखते हैं हम लोग, जो कुछ भी हम डबल क्वोट्स में टाइप करते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैपिटल है स्मॉल है। अब मैं आपको सेम चीज़ लिख के दिखाता हूँ कैपिटल के अंदर, ठीक है। ये हमने लिख दिया और ये कराया मैं कोड को रन। अब ये देखो वेलकम इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई भी डिफरेंस है क्या? कुछ भी, कोई एरर नहीं आ रहा है, यानी कि इसको कोई मतलब ही नहीं कि आप चाहे कुछ भी लिखें वहाँ पे, ठीक। सो सी आउट का जो यूज़ है वो भी आप करके दिखाया है कि हम डिस्प्ले कराने के लिए सी आउट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कमेंट्स का बताता हूँ मैं आपको, कमेंट्स में डबल क्यूट्स सॉरी डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करेंगे हम। अपने लिखते हैं माई फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, माई फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। और ये हो गया माई फर्स्ट प्रोग्राम। अब कमेंट्स में कुछ भी लिखो वो आपके आउटपुट को, आउटपुट में से कोई मतलब ही नहीं है, वो भी देखो दिखाता हूँ कैसे। रन कोड कराया हमने, ठीक। इससे पहले आपका आउटपुट क्या था? वेलकम इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग वर्ड था, और अब क्या आउटपुट आया है? वेलकम इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग वर्ड आपका आउटपुट आया है। दोनों आउटपुट सेम है, पहले हमने कमेंट्स यूज़ नहीं किए थे, लेकिन फिर भी इस बार कमेंट्स यूज़ किए गए हैं। कमेंट के यूज़ होने के बावजूद भी आपके आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, ठीक। अब कमेंट्स का आपका दूसरा टाइप ये था कि भैया आपने बताया था कमेंट्स दो टाइप के होते हैं, पहला सिंगल करेक्ट सॉरी सिंगल वाला जो होता है, और दूसरा होता है मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल लाइन। चलो हाँ भैया मैंने तो बताया था। अब हम जैसे ये मल्टीपल का जो फॉरवर्ड स्लैश और एस्ट्रिक साइन को यूज़ करेंगे मल्टीपल लाइन से, कमेंट लिख सकते हैं यहाँ पर माई फर्स्ट प्रोग्रामिंग वीडियो, ठीक है। और हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, और माई फर्स्ट प्रोग्रामिंग वीडियो आई एम यूजिंग विजुअल कोड स्टूडियो, ठीक, इतना मैंने लिख दिया। अब जैसे ही मैं ये वाला साइन लगाऊंगा, देखो यहाँ तक कुछ नहीं हो रहा है, वैसे मैं ये वाला साइन लगाऊंगा, ये पूरी की नीचे कोडिंग चेंज, यानी कि इसको पता चल गया है कि अब ये आपका मल्टीपल कमेंट्स है, ओके, ठीक है। देखो अब इसको हम रन कोड करेंगे, ठीक। क्या अभी भी हमारे आउटपुट में कोई डिफरेंस आया है? अभी भी हमें कोई डिफरेंस नहीं आया है, ठीक। तो अभी तक आपको समझ में आया होगा कमेंट्स और वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। अब तुम्हें बताता हूँ मैं एक चीज़, सुनो, अब तो मैं स्किप सीक्वेंस का एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिख दूँ माई सेल्फ विशाल, ठीक है, माई सेल्फ विशाल लिख देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे इसके दो तरीके हैं। अब पहले आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ मैं क्या आएगा। इसका आउटपुट देखो वेलकम इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, जो कि पहले लाइन यहाँ पे जो लिखी हुई है ये वाली, ठीक है। इसके बाद दूसरा है माई सेल्फ विशाल, जो मैंने नीचे लिखा हुआ है। यहाँ एंडल का मतलब है एंड लाइन, यानी कि न्यू लाइन में लाने के लिए। अब अगर हम एंड लाइन को ना यूज़ करके इसका दूसरा भी तरीका है, हम अगर यहाँ पे ऐसे स्केप सीक्वेंस लगा देते हैं, ठीक है, तब भी ये आपका कुछ यही आउटपुट देगा। देखो हमने सिर्फ एंडल को हटा के स्पेस सीक्वेंस का यूज़ किया है, लेकिन आउटपुट हमारा चेंज नहीं हुआ है, ठीक, ओके। तो स्केप सीक्वेंस यहाँ आपको समझ में आया होगा। अब मैं तीसरी चीज़ बताता हूँ कि स्केडिंग क्या होती है, देखो, ठीक है। सबसे पहले चलो पहले इनपुट का बता देता हूँ, पहले कैस्केडिंग समझ लें फिर हम इनपुट बताते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे सी आउट दो लिख रखे हैं, एक और सी आउट लिखता हूँ मैं, ठीक, उसमें लिख देता हूँ मैं
सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ठीक है, ये लिख दिया मैंने और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया और यहाँ पे चलो एंडल यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक, अब क्या यहाँ पे तीन सीआउट लिखे हुए हैं। अब पहले तो मैं इसको मैं बताता हूँ ये कैसे आ रहा है। अब अगर मैं इतना लिखा हुआ जो है ना सीआउट तीन बार यूज़ हुआ है, अगर इसको मैं सीआउट कम यूज़ करूँ तो ठीक, वो देखो कैसे होगा। अगर हम यहाँ पे ये लगाने के बाद ये ऑपरेटर को यूज़ करें और यहाँ से सीआउट हटा देता हूँ मैं, ठीक है, ये जो सीआउट है इसको अगर मैं हटा दूँ, रुको, इसको हम बना लेने देते हैं और इसको यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, इसको ऊपर लेके आते हैं, ठीक, ये यहाँ से आ गया और हमने यहाँ पे जो एंडल है इसको लगा, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको ऐसे लगा लेने देते हैं और यहाँ पे इसको ऐसे हटा देते हैं। देखो सिर्फ सी आउट हमने हटाए और कुछ नहीं किया अभी तक, ठीक, और यहाँ पे आपको सिंपली सेमी कॉलन यूज़ करना है। चलो एंडल थोड़ा प्रॉब्लम बड़ा हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हम स्केप सीक्वेंस का यूज़ कर लेते हैं एंड, ओके, सेमी कॉलन लगा हुआ है। अब देखते हैं कि क्या इसके आउटपुट में इसका कोई यूज़ यानी कि कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा है इसका वास्तव में, चलो चेक करते हैं। देखो आउटपुट में आपका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक, ये कैस्केडिंग का ये यूज़ है कि आपको बार बार सी आउट नहीं लिखना पड़ेगा, बार बार सी नहीं लिखना पड़ेगा, इसलिए कैस्केडिंग का हम यूज़ करते हैं। तुम्हें अभी तक कैस्केडिंग समझ में आया होगा, सी आउट सीन समझ में आया, अब तुम्हें बताता हूँ मैं कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे इनपुट और आउटपुट की। आउटपुट का कंसेप्ट को समझ में आ चुका है, अब थोड़ा इनपुट का कंसेप्ट समझाता हूँ, वो ये है, सबसे पहले मैं दो वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है, मैं दो वैल्यूज़ एंटर करवाऊँगा यूज़र से, नम वन नम टू, और यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम बना कर दिखाता हूँ आपको, वो है आपका एंटर फर्स्ट वैल्यू, नंबर, और यहाँ हम एंटर कराएंगे यूज़र से सेकेंड वैल्यू, ओके, चलो, और हम एंटर कराते हैं अपनी वैल्यू टू, नम टू हमने दे दिया वैल्यू एंटर, ठीक है, यहाँ से वैल्यू एंटर हो गई। अब सी आउट में हम शो करा देते हैं इसको सम, सम ऑफ टू वैल्यूज, ओके, यहाँ पे हम अपना कर देते हैं नम वन प्लस नम टू, हमने तो कैस्केडिंग का यूज़ किया हुआ है, और उसके बाद आपका रिटर्न ज़ीरो देन कर्ली ब्रेसेस। अब देखो क्या हुआ है इसमें, जब जो ये सी आउट है उससे पहले ये डिस्प्ले होगा, देखो बताता हूँ, प्रोग्राम चला के दिखा रहा हूँ तो मैं आपको, ठीक, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या आया है, एक एरर शो किया है इसने, रिटर्न, सॉरी स्पेलिंग गलत कह रहा, देखिए आपको एरर भी शो करता है, ओके, मिस्टेक्स हो जाती हैं। चलो प्रोग्राम हमारा चला, अब सबसे पहले ने क्या शो किया, एंटर फर्स्ट वैल्यू, हमने एंडल लिखा हुआ था इसलिए जो इनपुट मांग रहा है वो न्यू लाइन में मांग रहा है, अगर हम 23 दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम कोई बटन प्रेस करेंगे फिर कंपाइलर आया सी आउट के बाद एंटर सेकंड वैल्यू, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही उसने डिस्प्ले किया एंटर सेकंड वैल्यू, एंडल लिखा हुआ था इस वजह से वो नीचे आ गया। चलो हम सेकंड वैल्यू एंटर करते हैं विच इज़ 45, ठीक है, अब जैसे ही हम बटन प्रेस करें आपका सम ऑफ वैल्यू 60 लिखा हुआ था, ठीक, अगर हम यहाँ पर अगर हम इसमें एंडल यूज़ कर देते तो ये नीचे आ जाता, ठीक, लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि आपको अभी तक कमेंट्स, वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग, आउटपुट, जो कुछ भी मैंने आपको बताया सारा समझ में आया होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम और सब्सट्रैक्शन की, एडिशन की कोडिंग करते जाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है इस जर्नी में, और थोड़े ही दिनों में मैं पाइथन की भी सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, सो प्लीज़ आपने अगर अभी तक यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।